बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम कार्तिक था। वो बहुत ही भोला और साफ दिल का था। उसके इस भोलेपन का कुछ बच्चे फायदा उठाते थे। अरे आयुष देख, कार्तिक के पास नई पेंसिल है। तो फिर चलो उसे हम अपना बना लेते हैं। अरे कार्तिक, हमारे पास पेंसिल नहीं है, क्या तुम हमें पेंसिल दे सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, आज मैंने एक नई पेंसिल खरीदी है, ये लो। कार्तिक मेरे पास भी पेंसिल नहीं है, तुम कल मेरे लिए भी पेंसिल ला देना। क्लास खत्म होते ही सभी बच्चे अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी जोरों की बारिश शुरू होने लगती है। तभी एक लड़के के रोने की आवाज कार्तिक को सुनाई देती है। कार्तिक उस लड़के के पास आता है। क्या हुआ सोनू, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा छाता खो गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, मैं बारिश में भीग जाऊंगा। तुम मत रो सोनू, तुम मेरा छाता ले लो और अपने घर जाओ। धन्यवाद कार्तिक, तुम कितने अच्छे हो। कार्तिक उस लड़के को अपना छाता देकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। देखा तुमने, मैंने कैसे उस मोटे सोनू से उसका छाता चुरा लिया। अब तक तो वो अपना छाता ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा होगा। हाँ और किसी को पता भी नहीं चला, अब तक तो वो मोटू अपना छाता ढूंढ रहा होगा। तुम लोगों ने सोनू का छाता चुरा कर अच्छा नहीं किया, तुम लोगों को उसका छाता नहीं चुराना चाहिए था। तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाला? हम लोगों की मर्जी, हम लोग चाहे कुछ भी करें। क्लास में दो चार बातें क्या कर ली, तुम तो अपने आप को हमारा दोस्त समझने लगे हो। और नहीं तो क्या, तुम जैसे गधे से तो कोई भैंस भी दोस्ती ना करे। उन दोनों की ये बातें सुनकर कार्तिक को बहुत बुरा लगता है। फिर वो उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है। तभी कार्तिक को किसी की आवाज सुनाई देती है। हुआ बेटा, तुम बारिश में भीग क्यों रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई छाता नहीं है क्या? वो मैं अपना छाता। मुझे पता है कार्तिक, तुम अपना छाता सोनू को दे दिए हो। तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छे लड़के हो कार्तिक। आपको इतना सब कुछ कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानती हूँ कार्तिक, यही तो मेरा काम है। लो कार्तिक, ये छाता तुम रख लो। और आप? मेरे पास ऐसे बहुत से छाते हैं, अब मैं चलती हूँ और तुम इस छाते का बहुत ही सूझबूझ से इस्तेमाल करना। लो कार्तिक, ये छाता तुम रख लो। वाह, ये कितना खूबसूरत छाता है। कार्तिक कैसे हो तुम और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम तो बोल भी सकती हो। हाँ कार्तिक, मैं एक जादुई छाता हूँ, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इस बारिश से बचना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हें मुझे अपने हाथ में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। छतरी अपने आप कार्तिक के साथ चलने लगती है। ये सब आयुष और उसके दोस्त देख लेते हैं। छाता अपने आप चले जा रहा है, काश हमारे पास भी ऐसा छाता होता। तो फिर चलो इस छाते को भी हम हड़प कर अपना बना लेते हैं। कार्तिक अपने घर की ओर बहुत मजे से जा रहा था कि रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? बेटा कल रात को मेरे घर में कुछ चोर आए थे और मेरे गहने और पैसे लेकर चले गए, और अब मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? तुम तो बहुत छोटे हो बेटा, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? काश इनका सारा चोरी का सामान वापस आ जाता। कार्तिक के ऐसा बोलते ही चोरी का सारा सामान वापस आ जाता है। वो औरत कार्तिक को आशीर्वाद देती है और कार्तिक वहाँ से चला जाता है। अरे ये तो लगता है कोई जादुई छाता है। फिर आयुष और उसके दोस्त कार्तिक के पास पहुँचते हैं और उससे बोलते हैं। कार्तिक तुम सही बोल रहे थे, हमें सोनू का छाता नहीं चुराना चाहिए था। हाँ तुम सही कहते हो, हमें किसी का भी सामान नहीं चुराना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो मेरा छाता। ये लो, तुम सोनू का छाता सोनू को लौटा दो।
सोनू अपने छाते को देखकर बहुत खुश होगा। छाता देने के लिए शुक्रिया आयुष। वैसे ये जो छाता है ये बहुत ही सुंदर है, क्या हम इसे देख सकते हैं? क्यों नहीं, ये लो मेरा छाता। हमने तो सोनू का छाता तुम्हें दे दिया, बदले में तुम हमें क्या दोगे? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम्हारा ये छाता बहुत ही सुंदर है, उसके बदले हम इसे रख लेते हैं। लेकिन ये तो मेरा छाता है। तुम्हारा छाता था लेकिन अब नहीं है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा छाता है। अगर तेरे पास हिम्मत है तो आ और छाता लेकर चला जा। फिर वो दोनों कार्तिक पर हंसने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया वहाँ पर आती है। तुम दोनों उस बेचारे लड़के को क्यों तंग कर रहे हो? तुम दोनों उसका छाता लौटा दो। ए बुढ़िया, चल यहाँ से घिसक ले, वरना तेरी भी पिटाई हो जाएगी। मैं तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, तुम दोनों इसका छाता लौटा दो। वरना क्या करेगी, मारेगी हमें? चलो पहले इस बुढ़िया को ही सबक सिखाते हैं। सुनो जादुई छाते, इस बुढ़िया और उस कार्तिक को हवा में फेंक दो। उसके ऐसा बोलते ही जादुई छाता आयुष और उसके दोस्त को उठाकर हवा में फेंक देता है। इन दोनों की अकल अब ठिकाने आई है। लेकिन दादी माँ, आयुष ने तो हम दोनों को छाते से उछालने के लिए कहा था, फिर वो दोनों उल्टा कैसे उछल गए? फिर बूढ़ी दादी एक परी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अरे यहाँ पर तो अभी बूढ़ी दादी थी, वो कहाँ गई और तुम कौन हो? कार्तिक, मैं एक परी हूँ और मैं ही बूढ़ी औरत के रूप में तुम्हारे पास आई थी। हमें उतना भी भोला नहीं बनना चाहिए कि कोई हमारा फायदा उठाए। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम अपना और इस छतरी का ख्याल रखना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का कोई भी सामान नहीं चुराना चाहिए और किसी को मूर्ख भी नहीं बनाना चाहिए। तो आपने देखा जादुई छाता की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जादुई जूता। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम निशा था। वो बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, निशा अपने घर में अकेली होती है। तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। निशा जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर एक औरत होती है। क्या हुआ आंटी जी, आपकी कोई मैं मदद कर सकती हूँ? बेटा, दो दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ आंटी, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। निशा जल्दी से घर में जाती है और खाना लेकर बाहर आती है। आंटी ये लीजिए खाना। फिर वो औरत खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है। निशा, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी कि तुम ऐसे ही सभी के साथ व्यवहार करती हो, लेकिन आज से मैं समझ चुकी हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक जादुई उपहार दूंगी। ये लो, ये एक जादुई जूता है, ये तुम्हारी हर काम में मदद करेगा। और हाँ निशा, एक बात और, जो भी इस जूते या तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा उसका कद छोटा हो जाएगा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। अब निशा बहुत खुश थी और वो पार्क में घूमने जाती है। तभी निशा को एक आवाज़ सुनाई देती है। निशा, वो देखो, एक बच्चा रो रहा है, जाओ तुम उसकी मदद करो। तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? तभी निशा जादुई जूते से कुछ खाने के लिए मांगती है।
जादुई जूता, मुझे कुछ खाने के लिए दो। निशा के ऐसे बोलते ही उसके हाथ में खाना आ जाता है और वो उस बच्चे को खाना देती है और वहाँ से चली जाती है। निशा इस तरह सभी के छोटे बड़े काम करके मदद करती है। एक दिन निशा एक लड़की को पानी में डूबने से बचा रही थी, तभी उसकी दोस्त रीना ने ये सब करते हुए देख लिया और वो मन ही मन निशा से जलने लगी। निशा ने ये कैसे किया? क्या उसके पास कोई शक्ति है? मैं उसी से चलकर पूछ लेती हूँ, ये तो सही रहेगा। निशा, तुमने ये कैसे किया? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है क्या? अरे नहीं नहीं रीना, मेरे पास तो कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये सब तो इस जूते का कमाल है, इसी से मैं सबकी मदद करती हूँ। जादुई जूता, ये तुम्हें कहाँ से मिला निशा? फिर निशा रीना को सारी बात बताती है। रीना जब ये बात सुनी तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना उसके जूते मैं चुरा लूँ। ये सोचकर रीना निशा के घर गई। जैसे ही उसने जूते को हाथ लगाया, उसका कद छोटा हो गया और वो बहुत घबरा गई, जिससे वो जोर जोर से रोने लगी। मेरा कद इतना छोटा कैसे हो गया? तभी निशा रोने की आवाज सुनी और अपने कमरे से बाहर आई। अरे ये क्या हुआ? अब रीना का कद बहुत छोटा हो गया था। तभी निशा को परी की कही बात याद आती है। रीना, जरूर तुम मेरे और इस जूते के बारे में कुछ बुरा सोची हो, तभी तुम्हारा कद छोटा हो गया है। तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा क्या? नहीं नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला तुम्हारे बारे में बुरा क्या सोचूंगी? जैसे ही मैं तुम्हारे घर में कदम रखी, वैसे ही मेरा कद छोटा हो गया। मैं तो सोचती थी कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुमने मेरे बारे में बुरा सोचा है, इसलिए तुम्हारा कद छोटा हो गया। फिर रीना रोते रोते निशा को सारी बात बताती है। मुझे माफ़ कर दो निशा, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे जैसे मैं भी सभी की मदद करूंगी। जैसे ही मैंने तुम्हारे जूते को छुआ, मेरा कद छोटा हो गया है। तुम्हारा कद बड़ा करने का उपाय तो मैं भी नहीं जानती हूँ। चलो हम दोनों मिलकर परी से प्रार्थना करते हैं। फिर निशा परी से प्रार्थना करती है। परी, आप मुझे माफ कर सकती हैं क्या? मेरी दोस्त का कद छोटा हो गया है। फिर परी वहाँ पर प्रकट होती है। रीना, तुम निशा की बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुमने इसके बारे में बहुत गलत सोचा है और इसकी चीजें चुराने की कोशिश की हो, इसलिए तुम्हारा कद छोटा हो गया है। परी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद निशा या किसी भी दोस्त की कोई भी चीजें नहीं चुराऊंगी और आज से मैं किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचूंगी। ठीक है रीना, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर परी अपने जादुई शक्ति से रीना को पहले जैसा कर देती है। ये सब देखकर निशा बहुत खुश होती है और फिर परी वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी का भी कोई चीज नहीं चुराना चाहिए। तो आपने देखा जादुई जूता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।